तो देखते हैं कि फ्राइडे को बैठ के हमने निफ्टी के लिए एनालिसिस क्या किया था आज के लिए मंडे के लिए, और वापस आज बैठ के वापस कल के लिए एग्जैक्टली निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाला है ये चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले हमने फ्राइडे को बैठ के जो एक दिन पहले एनालिसिस किया था मंडे को मार्केट का ट्रेंड का, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या काम किया और किस सबसे मार्केट में मूवमेंट हुआ वो पहले देख लेते हैं। तो फ्राइडे का मेरा ये लेवल था, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मैंने 18 का डेट लिया था और यहाँ पे ये टाइम दे दिया था 2:30 का, और मैंने गेट डेटा करने के बाद वो जो लेवल आया था, और आपको अगर इसके डिटेल में देखना है तो ये जो फ्राइडे का वीडियो मैंने अपलोड किया होगा वो देख लेना 18 तारीख का, तो उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा। तो आपके पास लेवल था कि 11575 के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, 11559 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करना, ये चीज़ मैंने पहले ही बोल के रखा था। ठीक है, तो उसी हिसाब से जब मार्केट अभी आज सुबह सुबह खुला रहेगा तो आज 21 तारीख को देखो 9:23 को मैंने बोला था कि भाई जो 558 है यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको ये फिगर, तो हम ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट का एक सेक्शन है, ये कंफर्मेशन पॉइंट हम हमेशा प्लेस करते हैं। तो ये रेंज हमारा बाइंग का, ये रेंज रहेगा हमारा शॉर्ट सेल का, तो 558 और 555 यहाँ पे शॉर्ट सेल करना ऐसे मैंने बोल दिया था। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे ये सुबह सुबह ही 9:23 को मैंने ये लेवल भेज दी थी। अभी बात सवाल आती है कि मार्केट जैसे ओपन हुआ होगा, मार्केट जैसे सुबह सुबह ओपन हुआ तो देखते हैं कि पहले क्या किया मार्केट ने। ये देखिए, तो यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग के बाद ही कि मार्केट ने क्या किया वो पहले हम देख लेते हैं। आज का ये मोमेंट है, ये सुबह सुबह मार्केट खुला 21 तारीख को, ये मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, लगभग मार्केट यहाँ पे था 500 पे था, 11499 समथिंग यहाँ पे 930 पे था, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे ये मोमेंट ये कैंडल का यूज़ करके हमने अपना लेवल निकाल लिया था। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम वापस 555 को शॉर्ट सेल करने वाले थे, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 518 तक ऊपर गया, वापस नीचे आके ये कैंडल, तो इसने ये प्लेन कैंडल बन गया। तो मैंने क्या किया वापस ये कैंडल जो था 11507 को बीच में लेके आया, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने के लिए अभी हमें 11555 मिलेगा ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे 577 का प्लेन कैंडल बन गया 507 का, तो मैं उसे बीच में लेके आया था, 507 बीच में लेके आया हूँ। और अभी मुझे लेवल पता चल गया कि 536 पॉइंट समथिंग, मतलब 539, और ये कन्फर्मेशन पॉइंट ही जो मैं आपको बता देता हूँ 538 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बाय रहेगा और 503 को हमें शॉर्ट सेल करना रहेगा। जो मैंने ये किया होगा तो मैंने देखो वापस निफ्टी शॉर्ट सेल बिलो वो लेवल दे दिया 11503 को शॉर्ट सेल करना है, और उसका टॉप लॉस जो ये रेंज बाइंग रेंज मैंने आपको बता दिया कि वह 11539 से 544 के तक मार्केट यहाँ पे बाइंग रेंज में रहने वाला, तो आपको ये 503 से 5496 के बीच में शॉर्ट सेल करना था और उसका ये टॉप लॉस आपको लगा के रखना था। इस हिसाब से हमें ये सुबह का ही मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। जब यहाँ पे ये मार्केट ने हाई किया होगा तो 11527 का मार्केट ने वापस हाई किया, ये कंटिन्यूस मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, अभी ये प्लेन कैंडल वापस बना लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अभी यहाँ पे मैं लो ब्रेक का वेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल के बीच में ये पूरा मार्केट का मूवमेंट चला। ठीक है, ये सबसे चलेगा और करते करते मार्केट वापस ये बहुत नीचे, उसके बाद तो बहुत बड़ा मूवमेंट आया, 250 पॉइंट लगभग मार्केट अभी आज नीचे है। ओके, और हमने जो शॉर्ट सेल किया हुआ था वहाँ से अगर 500 से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से 230 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलना है, 250 पॉइंट और जो 275 पॉइंट हमारा शॉर्ट सेल से एग्जैक्टली नीचे है मार्केट। ठीक है, उसमें से हमने प्रॉफिट कैसे बुक किया वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने 270 को मेरा प्रॉफिट बुक कर दिया। ठीक है, तो सपोज 503 को मैंने जो शॉर्ट सेल किया था, 11503 को मैंने जो शॉर्ट सेल किया था उसका प्रॉफिट मैंने 11270 को बुक कर दिया। इस हिसाब से हमें ये लगभग 250 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिला, या तो 240 पॉइंट हमें प्रॉफिट मिला, 240 पॉइंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है। मतलब नेट ऑन नेट एक लॉट की भी अगर हम बात करेंगे तो 15,000 से ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट आया हुआ है आज के डेट में। 200 पॉइंट ही आएंगे तो भी 15,000 रुपये आएगा, उससे ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट है आज के डेट में सिर्फ सिंगल लॉट पर। अगर हम ज़्यादा लॉट करें, 2 लॉट 4 लॉट अगर करेंगे तो सबसे ये प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसके लिए रिस्क कितना था, तो हार्डली 30 पॉइंट का रिस्क था, 30-40 पॉइंट का रिस्क था, 40 पॉइंट के रिस्क पर आपको लगभग 5 या 6 गुना प्रॉफिट मिल गया। इस हिसाब से हमारे ये आज का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी सवाल आता है कि आप अगर यहाँ पे बैठे हैं 21 तारीख को, तो यहाँ पे बैठ के वापस कल कल मार्केट में क्या होगा, 22 तारीख के लिए मार्केट में क्या होने वाला, वो चीज़ अगर हमें समझना है तो बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर देखेंगे मार्केट ने ये लो किया था, ओके, ये सब कुछ आपको अगर डिटेल में समझना है तो आपको ट्रेनिंग लेना रहेगा, एक बार समझ लेना। अगर आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो ये सब प्रॉफिट आपका आने वाला है, ये सब आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 11311.9 ये प्लेन कैंडल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इससे में बीच में लेके आता हूँ। अभी ये 3253 था,
250 है, ओके ठीक है, इसे भी चलेगा। 294.37 को बीच में लेकर आना है, कैलकुलेशन वही रहेगा, डाउन ट्रेंड में ही है मार्केट, तो सिर्फ 294 को बीच में लेके आना है। आपको कल के लिए बाय पॉइंट सेल पॉइंट मिल जाएगा, 111.294 को बीच में लेके आना है। ये सब ये टूल की कमाल है, ये आपको टूल बहुत अच्छे से हर चीज बताएगा। तो 297 को बीच में लेके आना है, क्या था यहाँ पे अपना वैल्यू 294, ओके 294 बीच में आ चुका है, 194 हो चुका है यहाँ पे, लगभग रेंज बहुत बड़ा हो चुका है मार्केट का यहाँ पे अभी, ठीक है, क्योंकि बड़ा मार्केट में गैप डाउन हुआ है। तो कल के लिए वो मोमेंट चेंज हो जाएगा अपना, वो डरने की जरूरत नहीं। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करेंगे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से मार्केट कल ऊपर या तो नीचे कहाँ पे जाएगा, तो अभी मार्केट अभी यह रेंज में है। अभी सुबह जब मार्केट यहाँ पे 15 मिनट के बाद खुलेगा, अगर वो थोड़ा ऊपर आता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, क्या होता है, किस हिसाब से होता है, तो जो भी मैंने तीन हमारे मेथड रहती है कि मार्केट में कैलकुलेशन कब चेंज करना, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कब चेंज करना। अभी के लिए अंडरस्टैंड के लिए बोलो कि जब तक मार्केट इसके ऊपर, अभी ये रेंज ये दोनों के बीच में तो आ चुका है हमारे यहाँ पे, लगभग टॉप लॉस की बात करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टॉप लॉस होगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत ह्यूज रैली हमने दी हुई है कि लगभग 250-300 पॉइंट से ज़्यादा आ चुका है मार्केट, इसलिए ये लेवल अभी फिजिबल नहीं है हमारे लिए। ये कल के लिए ट्रेंड है 194 बीच में आ चुका है, 384 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग जाएगा, 277 है तो उसके नीचे रहेगा, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने वाला, ये चीज़ हमें अभी भी पता है, ओके। ये सिचुएशन जब आएगी, ऐसा सिचुएशन आएगा जब आपका टॉप लॉस बढ़ जाता है, तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हमारे पास और क्या ऑप्शन है, सपोज यही लेवल है, यही सब कुछ है जो मैंने मीडियम पे यूज़ किया हुआ है, वही टाइम में दे दूंगा सिर्फ, और कुछ नहीं करने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, डेट और टाइम मेरा क्या है 18th का है और 2:30 का मैंने टाइम दिया हुआ है, तो मैं इसी को सिर्फ स्मॉल पे लेके जाता हूँ, मेरा जो मेरा स्मॉल का कैलकुलेशन है निफ्टी का, ओके, इसमें मैं डेट चेंज कर देता हूँ 18th का, और यहाँ पे मैं टाइम 2:30 का देता हूँ, मतलब हमें जो टॉप लॉस बढ़ा है मार्केट में तो छोटा टॉप लॉस मिलेगा। आपको ये हमेशा करते आएगा, जब आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कब क्या ट्रेंड चेंज करने वाला है। अभी मैं लेटेस्ट में क्या कर रहा हूँ, ये स्मॉल या भी जो स्मॉल लिख के आ रहा है, मतलब क्या कि छोटा स्विंग में मार्केट में कर रहे हो, क्योंकि रिस्क छोटा चाहिए हमें मार्केट में। ये मैंने गेट डेटा किया, वापस वही लेवल हमारे पास आ चुकी है जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, ओके। ये प्रोसेस मैं वापस नया कैलकुलेट करूंगा, इसमें अभी टॉप लॉस छोटा आएगा, इसका यही तो वो सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पे, कि आपको ये टूल परमिट करता है कि भाई मार्केट मूवमेंट क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अभी वापस 112.94 जो लेवल है, 112.94 जो लेवल है 294, इसी ही बीच में लेके आना है। 112.94 को मैं बीच में लेके आता हूँ, ये आप वो जो बड़ा लेवल था वो भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं 100 रुपये का टॉप लॉस लेने के लिए इंट्राडे के लिए, हमें वापस छोटा टॉप लॉस चाहिए, तो हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कल क्या करना होता है। जैसे 294 को मैं बीच में लेके आ रहा हूँ, अभी इसके लिए मैंने स्मॉल स्विंग यूज़ किया हुआ है, 294 यूज़ किया हुआ है, वापस देखो यहाँ पे, ओके लगभग शॉर्ट सेल का पॉइंट वही रहेगा आपका 112.77 जो हमारा था यहाँ पे, ओके, लेकिन आपका रिस्क कम हो जाएगा इसमें, आपका टॉप लॉस लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट या तो 50 पॉइंट का रहेगा, 6th पॉइंट तक आ गया, तो जो भी 106 पॉइंट था तो वो आप ही कम होकर आपको यहाँ पे आ गया। अभी आपको ये बता रहा है कि भाई कल अगर आपको किसी को अगर काम करना है तो फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद 9:30 के बाद 237 या तो उसके नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड में जाना है, और 343 के ऊपर जाएगा और उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो अब ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा भाई ये निफ्टी का है आपके लिए कल के लिए एनालिसिस के 273 के नीचे डाउन ट्रेंड है वापस, और 243 जब तक जाता नहीं तब तक अब ट्रेंड नहीं जाएगा मार्केट में। इस हिसाब से हमने ये किया हुआ है, इसके लिए मैंने स्मॉल स्विंग यूज़ किया क्योंकि आज बहुत बड़ा ह्यूज मोमेंट हुआ है मार्केट में, 250 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। तो वापस रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ये लेवल है यहाँ पे, और ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारा लेवल ये रहता है कि 243 के ऊपर अप ट्रेंड रहेगा, 273 है तो उसके नीचे डाउन ट्रेंड रहेगा वापस निफ्टी के लिए कल के लिए, ओके। जिनको ये सब कुछ डिटेल में सीखना है, इसमें एक्सपर्ट बनना है, आपको स्विंग फाइंडर टेक्निक का हमारा जो एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है ये कोर्स आपको करना रहेगा। एक बार ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हर चीज़
जैसे मैंने अभी आपको देखो आपके सामने ये टॉप लॉस बड़ा हो रहा था, तो मैंने ये टॉप लॉस वेरी स्मॉल टॉप लॉस आपको जो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको छोटा टॉप लॉस चाहिए तो छोटा टॉप लॉस मिल जाएगा। अभी 250-300 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तो इसका आपसे 40-50 पॉइंट मतलब कोई बड़ी बात मूवमेंट नहीं है, और उसके रिवॉर्ड भी उस हिसाब से मिलने वाले हमें, तो इस हिसाब से वो आपको ये अलाउ कर देगा। उसका इंट्राडे पोजिशनल जो भी आपके पास टाइम है 5 मिनट, जैसे अभी मैंने 15 मिनट पर ये करवाया, ये टॉप लॉस भी किसी को ज़्यादा लग रहा है तो कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेगा तो वापस उन्हें छोटा टॉप लॉस मिलेगा। तो मार्केट में हर स्विंग हम कवर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हर पोजीशन दिया हुआ है। आप जब ये ट्रेनिंग करेंगे तो आपको उसका मजा आएगा। जैसे 80% मार्केट का रैली कवर करने का मैं चैलेंज हमेशा बोलता हूँ, तो जैसे आज हमने देखा होगा कि सुबह जब मार्केट यहाँ पे था तो कई तो भी ये कैंडल को हमने शॉर्ट सेल किया हुआ है 503 को, जब 503 को सेल किया तो यहाँ से लगभग मार्केट नीचे आया। जब मार्केट ने ये कैंडल बनाया तो मैंने मेरा और प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो लगभग यहाँ से ये कंप्लीट रैली हमने कवर किया, 253 का लो किया हुआ है, अभी तक 250 था यहाँ तक पूरा ओके, और लास्ट के 9:15 के बाद मार्केट ने थोड़ा वापस नीचे गया जो हमारे कवर नहीं, क्योंकि 3:15 बजे हमें पोजीशन कवर करना ही होता है, इसके लिए मैक्सिमम यहाँ पे रुक सकते थे, इसलिए मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा। मतलब जो भी यहाँ पे रैली हुआ, जितना भी रैली होगा उसका 80% रैली हम मार्केट में कवर करेंगे, और यही चीज़ अगर सीखना है तो आपको ये है मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है, आप एक बार आपको मैं कांटेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस दिन आप लर्निंग या ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करेंगे उसी दिन से आपको पैसा कमाने का प्रोसेस हमें स्टार्ट करना रहेगा, उसी दिन से आपको प्रॉफिट आना चाहिए, उसी दिन से आपको ट्रेड करना, जब ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ऐसा बनने वाला है। ये मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किया हुआ, डायरेक्टली आप ये कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर लो, जो भी आपको क्वेरी क्वेश्चन रहेगा, ट्रेनिंग का शेड्यूल जो भी चाहिए आप पता करना तो आप पता कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने अभी आपको निफ्टी का आज बैठ के कल का लेवल निकाल के दिखाया, या तो लाइव मार्केट पे भी अगर हमने क्या किया हुआ है, लाइव मार्केट पे आपके लिए डेमो अरेंज किया हुआ है, आपको अगर आपका जो फेवरेट स्क्रिप्ट है जिसमें अपना स्विंग फंडल प्लेटफॉर्म कैसे वर्क होता है अगर वो देखना है तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो, तो उसके लिए भी आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का लेवल आपको समझ में आ गया होगा, कल के लिए अपना रहेगा 339, जो भी आपने या तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट का लेवल दिमाग में रखो, 343 के ऊपर जाएगा तो ये ऑर्डर डायरेक्टली लगा सकते हैं मार्केट में, 343 के ऊपर जाएगा तो बाय, और 273 के नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच।